हेलो गाइस, वेलकम टू वर्धन मित्तल यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनथे 2024 के बारे में। एनथे एक एग्ज़ाम है जो कि आकाश इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है। बेसिकली एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है जिसकी फुल फॉर्म है आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन। सो आज इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एनथे क्या होता है, इसमें कितना कैश अवार्ड आपको मिल सकता है, इसके बेनिफिट क्या है इसको लिखने में, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, और लास्ट में मैं इसके सैम्पल पेपर भी दे दूंगा पिछले साल के, जिससे आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक कि एनथे लिखने के बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही हो गया कि इसमें आपको आकाश इंस्टीट्यूट के कोर्सेज में डिस्काउंट मिलता है या फिर स्कॉलरशिप मिलती है अप टू 100%। और दूसरा इसमें बेनिफिट है कि आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक जानने को मिलती है, जिससे आपको पता लगता है कि आप ऑल ओवर नेशन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो लेट स्टार्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम की डेट क्या है। सो एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्ट ऑन 19 अक्टूबर टू 27 अक्टूबर फॉर ऑनलाइन मोड, और ऑफलाइन के लिए आपका एग्जाम 28 अक्टूबर और 27 अक्टूबर का होगा, जो कि संडे है। आपको अपने नियरेस्ट सेंटर पे विजिट करना पड़ेगा फॉर ऑफलाइन एग्जाम, और आप अपना नियरेस्ट सेंटर जब रजिस्ट्रेशन करोगे तब भर सकते हो। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या है। सो अगर जो इसके टॉप 5 स्टूडेंट होंगे, दे विल गेट अ चांस टू विजिट कैनेडी स्पेस सेंटर दैट इज़ इन फ्लोरिडा USA, और ये जो ट्रिप होगी आपकी ये फुल्ली स्पॉन्सर्ड होगी बाय आकाश इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं इसका अगला पर क्या है इसको लिखने में। तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी इन आकाश वेरियस कोर्सेज, और आपको कैश अवार्ड मिलेगा अप टू टॉप 100 परफॉर्मर। अगर आप टॉप 100 में आते हो तो आपको कैश अवार्ड दिया जाएगा। तो कैश अवार्ड भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना कितना दिया जाएगा और किस क्लास को कितना कितना देते हैं, तो मैं सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो बिना किसी तरीके वीडियो को मतलब आप वीडियो बने रहें। सो ऑनलाइन एग्जाम टाइमिंग की बात करें तो आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है डैट विल स्टार्ट एट 10 AM और 9 PM तक रहेगा। मतलब इस विंडो के दौरान आप एग्ज़ाम कभी भी लिख सकते हो। एक घंटे का आपका एग्ज़ाम है, तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली अगर आप आफ्टरनून में लिखते हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, मतलब 7 बजे के बाद मत लिखना, क्योंकि अगर कोई टेक्निकल एरर आती है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो मतलब रून भी हो सकता है और आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकते हो। तो और ऑफलाइन एग्ज़ाम टाइमिंग की बात करें तो आपका ऑफलाइन अगर आप एग्ज़ाम लिखना चाहते हो तो आपका 10:30 से लेकर 11:30 एग्ज़ाम होगा। सो आप सेंटर पर जाके इस टाइम जाके आप एग्ज़ाम लिख सकते हो। एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो अभी आपकी एग्ज़ाम की फ़ीस है 100 रुपीज़ टिल 31 जुलाई, और 31 जुलाई के बाद ये हो जाएगी 200 रुपीज़। अभी जैसे कि रजिस्ट्रेशन जस्ट अभी शुरू हुआ है तो इन्होंने अर्ली बर्ड डिस्काउंट ही दे रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्लास 7 से लेकर क्लास 12th पास स्टूडेंट कोई भी लिख सकता है, मतलब मिनिमम क्लास इसकी क्लास 7th है अपीयर करने के लिए। और एनथे के लिए आप रजिस्टर कैसे कर सकते हो तो वो भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। आपको बेसिकली ये वेबसाइट दिख रही है, ये वेबसाइट पे आपको जाना है, और यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जाने के बाद ये ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, OTP वेरीफाई कीजिए, तो आपको फिर अपना क्रेडेंशियल या फिर अपनी डिटेल देनी होगी। उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, डैट इज़ ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन, और फीस पेमेंट आप कर दीजिएगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपका है 7 डेज बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ऑफलाइन मोड। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपका एग्जाम 20th को है तो आपको 13 से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और 3 डेज बिफोर द डेट ऑफ एग्जाम फॉर ऑनलाइन मोड। सो अगर आपका एग्जाम 19th को है तो आपको 16 तक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि मान लीजिए आपका एग्जाम 19th को है और आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाता है, और आपका जैसे कि आपने सोच लिया है कि मैं आकाश इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन लूँगा, तो आप एग्ज़ाम में 27th को भी लिख लीजिएगा या फिर मतलब किसी भी और दिन भी लिख लीजिएगा, ताकि आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस गेन कर लिया है तो आप ऑब्वियसली नेक्स्ट टेस्ट में अपनी जो आपने गलती की इस बार में वो मतलब उसको सुधारते हुए आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे। तो आप एग्ज़ाम मल्टीपल टाइम्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो 8 नवंबर 2024 को आपका 10th क्लास का रिजल्ट आएगा। ये सबसे पहले क्लास 10th का रिजल्ट देते हैं, क्योंकि एंथे जो है वो मेजरली 10th क्लास के बच्चे ही लिखते हैं, क्योंकि 11th 12th में कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक JEE और नीट उनकी प्रिपरेशन करने के लिए मैक्सिमम 10th क्लास के बच्चे ही 11th 12th के लिए कोचिंग परस्यू करते हैं। अब बात करें 13 नवंबर 2024 की, तो इसमें 7th से लेकर 9th क्लास का रिजल्ट आएगा, और 16 नवंबर 2024 को आपका 11th और 12th पास स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं पिछले साल आकाश जो टैलेंट हंट था, नेशनल टैलेंट हंट था, मतलब एनथे था, उसमें 1.8 मिलियन रजिस्ट्रेशन हुए थे, और आई थिंक ये नंबर इस साल बढ़ेगा ही, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है लोग कोचिंग ऑप्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू घर पे पढ़ना। सो आई थिंक दिस नंबर इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज दिस ईयर, और पिछली बार 1.8 मिलियन था। और आई थिंक इस बार इन्होंने एग्ज़ाम की फ़ीस, पिछली बार फ्री थी, इस बार इन्होंने एग्ज़ाम की फ़ीस भी रखी है, और ऑफलाइन एग्ज़ाम की फ़ीस थी 100 रुपीज़, और इस बार इन्होंने दोनों की 200 रखी है, तो ये भी कमर्शियल होते जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में।
तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 40 और आपका टोटल मार्क्स होगा 90। ड्यूरेशन होगी एग्जाम की 1 घंटा, मतलब 60 मिनट। तो एक क्वेश्चन पे आपके पास 1 मिनट से भी कम टाइम है, तो इसलिए आपको टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने अगर सोचा है कि मैं चीटिंग करूंगा, अगर आपने ऐसे सोचा है तो उसमें मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा, अगर आपने मतलब एकदम ठान लिया चीटिंग करूंगा ही, मतलब ऑब्वियसली यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, सो अगर आपने ऐसा सोचा है तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप पहले पेपर खुद से कीजिए, ताकि क्योंकि चीटिंग अगर आप करते हैं तो आपको सर्च करने में 5 से 6 मिनट भी लग सकता है और आपको मतलब एनजाइटी टाइप हो सकती है, तो उसकी वजह से आपके काफ़ी क्वेश्चन छूट सकते हैं। और जैसे कि आपको मैंने बताया नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फ्लूक या तुक्का आप आराम से मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आपके लिए कंपलसरी है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी एग्जाम छूटे और आप बहुत बड़ा ब्लंडर करें। इसलिए अगर आपको चीटिंग करनी है तो लास्ट के 5-6 मिनट में करिए, या फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तभी करिए, वरना चीटिंग ना ही करिए तो बेटर है, ठीक है। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहाँ पे इस वेबसाइट पे हर किसी का दे रखा है, तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हो। ये वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। सो हर क्लास का अगर सिलेबस डिस्कस करूँगा तो यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं कर रहा मैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। 7 से लेकर क्लास 10 स्टूडेंट अलर्ट हो जाए, आपका एक टॉपिक आ रहा है मेंटल एबिलिटी। ये मेंटल एबिलिटी जो टॉपिक है ये आपके लिए एकदम नया हो सकता है, और आपने मे बी इससे पहले कभी मेंटल एबिलिटी सॉल्व नहीं किया हो, तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं ये थोड़े मतलब लॉजिकल टाइप के होते हैं, तो मतलब ये क्वेश्चन डुएबल होते हैं, लेकिन आप इसमें अपना आराम से 5-6 मिनट स्पेंड कर सकते हो पर क्वेश्चन, तो वो आपके एग्जाम में बहुत ही बड़ा ब्लंडर कोर्स कर सकता है और आप अपना एग्जाम टोटली रून कर सकते हो। तो उससे बचने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस वेरियस टॉपिक, आप एनालॉजी है वो टाइप करके उसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, इससे आप क्वेश्चन विद इन 15 to 20 सेकंड बना पाएंगे। और जैसा कि मेंटल एबिलिटी में आपके 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, सो इसके लिए मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगा। आप मेरी एक प्लेलिस्ट है लॉजिकल रीजनिंग की, वो भी आप वॉच कर सकते हो, उसमें मैंने इन सब टॉपिक पे डिटेल में शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की है, और मेरी जो शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की है वो पर्टिकुलरली फॉर एनटीआर एनटीएससी एग्जाम ही की है, तो आपको वो प्लेलिस्ट है वो बहुत बेनिफिट करेगी। उसमें मैंने मिरर रीजनिंग, सारी रीजनिंग मतलब वाटर रीजनिंग सब कुछ मैंने उसमें डिस्कस किया है, तो आप वो जरूर एक बार देख लीजिएगा। लेट्स मूव अहेड टू स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड। तो दिस इज दी कैश अवार्ड पेज। सो आपको जो कैश अवार्ड मैक्सिमम देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है वो क्लास 10, जो कि है मैक्सिमम क्लास 10th के लिए 2 लाख रुपए, और वो AIR 1 को मिलेगा। और मिनिमम क्लास 10th में अगर आप हैं और 51 से 100 के बीच में रैंक लाते हैं तो 10,000 रुपीज मिलेंगे। ऑब्वियसली कैश अवार्ड जो है वो टॉप 100 रैंकर्स के लिए, तो इट इज मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है कैश अवार्ड लेना, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी 100 में रैंक आ सकती है, और आपको कैश अवार्ड के साथ 100% स्कॉलरशिप तो मिलेगी। फॉर क्लास 7 से लेकर 9 की बात करें तो आपकी मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख हो सकती है अगर आपकी AIR 1 आए, और अगर आपकी 51 से 100 के बीच में रैंक आती है तो आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। फॉर क्लास 11 से लेकर 12 पास स्टूडेंट मतलब ड्रॉपर बैच के लिए, उनकी अगर AIR 1 आती है तो उनको 1.5 लाख मिलेंगे, एंड 11 to 50 रैंक आती है तो 10,000 रुपीज मिलेंगे। मतलब अगर आप 11 से लेकर 12 पास में है तो आपको बिलो 50 रैंक लानी है। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया फॉर स्कॉलरशिप इन आकाश, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपकी जो रैंक है वो बिलो 1000 आती है देन यू गेट द डिस्काउंट बेस्ड अपॉन योर एंथ रैंक। सो अगर आपकी रैंक बिलो 1000 आती है देन यू गेट द डिस्काउंट बेस्ड अपॉन योर एंथ रैंक, और आपकी अगर रैंक टॉप 1000 में तो आपको मैक्सिमम 80% वेवर मिल सकता है, मतलब मिनिमम आपको 80% वेवर मिलेगा अगर आपकी टॉप 1000 में है ऑन ट्यूशन फीस। और अगर आपकी कैटेगरी ए में आप फॉल करते हो, मतलब आपकी रैंक 1 से 100 के बीच में आती है, देन यू गेट टोटली लाइक योर फी विल बी 0, और आपको हर चीज़ पे 100% वेवर मिलेगा। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ फी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होती है वो ट्यूशन एंड क्लासरूम फी की होती है। और सेकेंड चीज़ हम बात करते हैं, अगर आपकी रैंक अबव 1000 आती है, बियॉन्ड 1000 आती है, देन यू गेट द डिस्काउंट बेस्ड अपॉन योर एंथ परसेंटाइल। सो अगर आपकी परसेंटाइल 70% के ऊपर है देन यू गेट 60% वेवर ऑन द ट्यूशन फी। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक ISCST करके एग्जाम होता है वो भी दीजिए। उससे क्या होगा, इसमें आपको चांस है 90% अप टू स्कोर 90% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है या फिर वेवर मिल सकता है ऑन ट्यूशन फी, ट्यूशन एंड क्लासरूम फी। और उसका एग्ज़ाम कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है, और उसमें आप आराम से 100% स्कोर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। 35 मिनट का एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, सो आप ISCST की भी वीडियो देख सकते हो, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो आकाश में, और आपको 90% स्कॉलरशिप मिल सकती है ट्यूशन एंड क्लासरूम सर्विस फी पे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो अगर आपकी जो परसेंटाइल है दैट इज़
बिटवीन 10 to 20, देन यू गेट 25% वेवर। सो जो कि बहुत ही कम है और इसमें आपकी काफ़ी अच्छी फीस बन जाएगी। सो आप कोशिश कीजिएगा आपकी जो रैंक है वो टॉप 1000 में आई जाए, और उसके लिए आप मल्टीपल टाइम्स अगर एग्ज़ाम लिखना पड़े तो लिख लीजिएगा, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे आकाश में ही एडमिशन लेना है। और ऑब्वियसली आपका जो पैसा है वो डबल बार जाएगा, बट यू कॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो लेट्स मूव अहेड। तो मैं बात करना चाहूँगा हाउ टू प्रिपेयर के लिए। तो आप प्रिपरेशन के लिए मैं आपको वो एडवाइस दूंगा कि आप सबसे पहले अपनी रेगुलर टेस्ट बुक जो होती है, जो आपकी एनसीईआरटी टेस्ट बुक होती है, उसको प्रायर इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि 90% ऑफ द पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आएगा। सो आपको एनसीईआरटी की एक थोरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके हर टॉपिक कवर होने चाहिए, और बाकी जो 10% पेपर है उसके लिए आप रेफरल बुक यूज़ करिए या फिर आकाश की जो प्रीवियस ईयर बुक होती है वो यूज़ करिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा कि आप जो पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको भी लगाइए, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सो आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं 3 साल के, सो आपको उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। तो मैं वो जो पेपर हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं गूगल ड्राइव का एक लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके विजिट करके ये पेपर एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हो एनते के लिए। और आई थिंक मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर ही दिया है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।